ओम केदारनाथाय नमः। चपटी भरी भभूत में है खजाना कुबेर का, जिसकी मात्र एक चपटी भभूत में से विश्व की संपत्ति की प्राप्ति हो, वैसे धन संपत्ति के दाता महादेव के चरित्रों की कथा का श्रवण करिए और साथ में ही श्रावण मास का महत्व भी जानिए। मास श्रावण, पक्ष कृष्ण, तिथि द्वितीया, नक्षत्र शतभिषा, ऋतु वर्षा। आज के दिन की कथा। ब्रह्मा जी देवी उमा की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे नारद, उमा के जन्म के बाद पिता दक्ष उमा की बड़े ही लाड़ प्यार से परवरिश करने लगे। धीरे धीरे उमा विवाह लायक हुई। उसी समय देवी उमा ने सामने से ही अपनी माता से भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा जताई। माता के कहने पर उमा ने शिवजी की आराधना घर पर ही शुरू कर दी। विविध उपचारों से भगवान शिव का पूजन करने लगी। 12 मासों तक शिवजी की पूजा आराधना की। मैं देवताओं के साथ शिवजी के पास गया और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हमारी प्रार्थना का स्वीकार करें। शिवजी ने हमारे आगमन का कारण पूछा। हमने कहा, हे प्रभु, हमें आपका सहयोग दीजिए। हम दोनों ने स्त्री का ग्रहण कर लिया है। आप भी देवताओं के हित के लिए कोई स्त्री का स्वीकार करें। यह सुन शिवजी बोले, हे ब्रह्मा, मुझ जैसे अद्भुत को स्त्री की क्या आवश्यकता? मैं विवाह में मानता ही नहीं हूं। मैं तो तपस्वी हूं, मैं तो विरक्त हूं। मुझे तो योग में ही आनंद आता है। यदि आप सबकी इच्छा से मैं विवाह कर भी लूं, तो भी मेरे तेज को सह सके ऐसी योगिनी कौन है? यह सुनकर मैंने कहा कि हे महेश, वे देवी भगवती है। उन्होंने जैसे लक्ष्मी का रूप लेकर प्रभु विष्णु के साथ विवाह किया, वैसे ही उस देवी भगवती ने दक्ष के यहां उमा के रूप में जन्म लिया है। आप उसका स्वीकार कर संसार का हित कीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी प्रभु शिव को विवाह करने के लिए अनुग्रह किया, जिसके बाद शिव जी ने तथास्तु कहकर सभी देवताओं को प्रसन्न किया। इस तरफ देवी उमा व्रत एवं तप से भगवान शिव को प्रसन्न करने लगी। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। सती ने कहा कि मुझे वही वर दीजिए जो। इतना सुनते ही भगवान शिव शंकर ने सती से विवाह का प्रस्ताव रखा और सती ने सहर्षता के साथ वह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपने पिता दक्ष के यहां विधि विधान के साथ विवाह संस्कार संपन्न हो वैसी इच्छा व्यक्त की। तब मैंने जाकर अपने पुत्र दक्ष को कन्यादान के लिए कहा और देवी के विवाह के लिए प्रभु शिव की इच्छा जताई। तब दक्ष ने अपनी अनुमति दी और जल्द से जल्द विवाह करवाया जाए वैसी अपनी इच्छा जताई। तब मैं शिव जी के पास गया और उन्हें यह सब बताकर देवी उमा के साथ विवाह करने के लिए उचित समय और मुहूर्त निकालने के लिए प्रार्थना की। फाल्गुनी नक्षत्र के चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के शुभ मुहूर्त पर रविवार के दिन भगवान शिव विवाह के लिए दक्ष के यहां प्रस्थान करते हैं। मार्ग में भगवान शिव की बड़ी ही शोभा हो रही थी। सभी देवता और सभी गणों ने उत्सव मनाया। भगवान शिव ने शुभ मुहूर्त में देवी उमा के साथ विवाह संपन्न किया। दक्ष ने अपनी पुत्री उमा को बड़े ही प्रेम से विदा किया। भगवान विष्णु ने शिव जी और उमा को इस संसार के माता पिता का दर्जा दिया और उमा महेश्वर को सबने वंदन किया। इस तरह समग्र संसार के माता पिता उमा महेश्वर का खूब धामधूम से विवाह संस्कार संपन्न हुआ। श्रावण में खास ध्यान रखने जैसी बातें। श्रावण मास की प्रत्येक तिथि किसी न किसी धार्मिक महत्व के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए हो सके उतनी तिथियों में भगवान शिव की उपासना के साथ व्रत करने चाहिए। भगवान शिव को जल चढ़ाकर प्रसन्न करने के लिए कावड़ यात्रा का भी बड़ा ही महत्व है। अगर आपसे कावड़ यात्रा न हो सके तो घर से ही एक कलश में शुद्ध जल भरकर मंदिर तक पैदल चलकर शिव जी का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय।